शांति, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस का, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3D, 4D एंड 5D का एटॉमिक रेडियस का पैटर्न क्या होता है। शुरुआत में कैसा होता है? डिक्रीजिंग। बीच में कैसा होता है? तीन एलिमेंट्स के लिए, है ना, और उसके बाद हाईली इंक्रीजिंग, है ना। हाईली इंक्रीजिंग क्यों होता था? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड हो जाता था D10, और अगर कोई फुल्ली फिल्ड हो गया तो क्या होगा फिर? मैक्सिमम रिपल्सन होगा, ठीक है। अब जरा देखें, फिर उसके पहले मैंने आपको बताया था, कल बता रहा था, शील्डिंग इफेक्ट। उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप ग्राफ देखें, अगर आप ग्राफ देखें किसके किसके बीच का, 3D और 4D का, तो 3D और 4D के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा, रेडियस का डिफरेंस होगा। लेकिन 4D और 5D में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये समथिंग लाइक दिस, जानबूझ के लिए, है ना, मतलब एक ही फ्लोर पे लाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3D और 4D के एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस है, इस तरफ है एटॉमिक रेडियस, लेकिन 4D और 5D के बीच में एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस नहीं है। ये हमें समझाना था। आइए देखिए, अब जरा समझें। तो अगर हम रेडियस के पैटर्न की बात करें एटॉमिक रेडियस के, है ना, तो 3D से बड़ा होगा 4D, और 4D और 5D का सेम होगा। मोटा मोटी कह सकते हैं, एक एक्सेप्शन आएगा, वो भी मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको याद आ रहा होगा, स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे बताएं, टाइटेनियम, वाइटेरियम, और इसके नीचे लैंथनम। स्कैंडियम कौन सा? 21, और फिर, और वाइटेरियम के बाद, और लैंथनम के बाद। लैंथनम कितना और ये कितना? ओके, अब जरा समझिएगा, लैंथनम कौन सा था हमारा? D1, और हाफ वन कौन सा? लेकिन D1 से D2 में फिल होने से पहले फिल कौन हो रहा है? 58 से 71 लैंथेनॉइड्स, यानी कि डी में D1 से D2। अच्छा, इसके बाद फिर से रेगुलर चालू हो जाएगा टेंटनम D3, है ना, ला हफ्ता। भाई इसके बाद टेंटनम आएगा ना, वो D3 होगा ना, और इसके बाद D4, और इस तरीके से चलते चला जाएगा। यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से लगना चालू होगा, ये जरा समझिएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्या इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, ये ही एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए लग रहा है? 58 से 71 के बीच एफ ब्लॉक के कारण लग रहा है। एक्चुअली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही है फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D, फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल्स। ये याद है मैंने लिखा था 4F सीरीज, ये था 4F सीरीज। तो 5D2 में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले कहां चले जाएंगे? 4F में, और इसके कारण साइज क्या होगा? अब क्यों होगा वो बता रहा था मैं। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो एरिया सबसे बड़ा किसका? SPD में, S का सबसे छोटा, फिर P का, फिर D का, और फिर F का। बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने कल आपको बताया था शील्डिंग, और मैंने शील्डिंग में आपको क्या कहा था? गुड शील्डिंग का मतलब है SPDF में सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी होगी? S की। क्यों? एरिया छोटा है ना S का, तो ये अच्छे से पकड़ के रखेगा ना,
बड़ा एरिया में सील्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एरिया वाइज ऑर्डर ये है तो सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? नहीं, उल्टा होगा। एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, और फिर डी का, और फिर क्या? ये बात क्लियर है? यानी कि इट मींस इफ ब्लॉक एलिमेंट्स विल हैव एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग, बोलो यार, और अभी अभी आपने देखा जस्ट कि यहां पर 4F भरा रहा है, यानी इसकी शील्डिंग कैसी हुई? पुअर। और अगर शील्डिंग पुअर होगी तो रेडियस क्या होगा? यही वजह है कि जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग लगभग सेम होता है, 159 160। अब इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यह है कि जर्कोनियम और हाफनियम में एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो इसका केमिकल एक्सट्रैक्शन भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक जैसा साइज है, अगर मैं आपको बोलूं लोहा के रॉड में और गेहूं मिला दूं और बोलूं अलग करने के लिए, और गेहूं और चीनी में बोलूं अलग करने के लिए, तो किसको आप अलग आसानी से कर पाओगे? क्योंकि साइज अलग है ना, और अगर एक जैसा साइज है तो अलग करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो यही कॉम्प्लिकेशन आता है कि लैंथोनाइड्स को निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए भाई साहब, क्लियर है? इट मींस इफ ब्लॉक एलिमेंट्स विल हैव एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग एंड ड्यू टू दिस पुअर शील्डिंग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। अब जरा ध्यान से रख सुनिएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर हो रहा है 4F के कारण, लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो एनसीईआरटी इसमें एकदम साफ साफ लिखता है, नहीं शील्डिंग विल्डिंग नहीं लिखता है, वो सिंपली लिखता है द फीलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल्स बिफोर 5D। मैं अंडर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, 5D में कौन सा? 2। 1 तो भरा चुका है, 1 के बाद आ रहा है ना, तो मैं स्पेशली लिख देता हूं 5D 2 सिंस 5D 1 इज फिल्ड, है ना? ठीक है, कौन सा जाएगा? 5D 2 जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं, कि पीछे करूं? ध्यान आ रहा है ना, 5D 1 था हमारा लैंथेनम, उसके बाद था लैंथेनॉइड्स, और फिर था हाफनियम, है ना? 5D 2 सिंस 5D 1 इज फिल्ड बिफोर 5D इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एंड ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अब LC लिख देता हूं, है ना? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D एंड 5D हैव सेम एटॉमिक रेडियस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैंडियम 3D है, फिर 4D और फिर 5D, इसका कैसा होगा सीक्वेंस? कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर? स्कैंडियम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा वाइट्रियम, और वाइट्रियम से बड़ा, क्या ये दोनों बराबर होंगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां नहीं लगेगा, है ना? ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं जनरल ट्रेंड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
नॉट अप्लाइड, यहां पे लैंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन नहीं लग रहा है, इसके बाद से लगेगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, और एक्सपेक्टेड क्या था, हाफनियम बड़ा होना चाहिए था, ये था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम और जर्कोनियम और हाफनियम बराबर। और ऐसा क्यों होता है, मतलब हमने सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जनरल ट्रेंड था कि नीचे आ रहे हैं 3D 4D 5D तो बढ़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है, 4D और 5D का बराबर हो रहा है ना एक्चुअल। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू LC, बात खत्म। चलिए नोट करिए, ये तो बोलिए समझ में आया, इसके पीछे एक लॉजिक भी लिख ही लीजिए है ना, ताकि बाद में भी आपको दिक्कत ना आए। लार्जर द एरिया लेस इज द शील्डिंग, या ऐसा लिख देता हूँ, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब, और होना भी चाहिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा रूम का रखवाली करने दूं और 10 बड़े फ्लैट का रखवाली करने दूं, तो आप रखवाली किसका अच्छा से करेंगे, 10 वाले का, छोटा वाले का? भाई एक छोटा सा मैग्नेट को कवर अच्छे से कर पाओगे कि बड़े से मैग्नेट को, छोटा वाले, तो जो जितना छोटा होगा उतना अच्छा पैकिंग होगी। आप इसका ही बनाइए, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए है ना, और अगर फिर भी लगता है कि क्लियर नहीं हो गया तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं रिप्लाई तुरंत नहीं करूँगा है ना। क्या ये बात समझ में आ गई, अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, एटॉमिक रेडियस थोड़ा लंबा हो गया, समरी जरा समझ लीजिए, समरी में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, पहला डिक्रीज करेगा, उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद कहानी खत्म, और 3D का सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, और 4D से ज्यादा, लेकिन 4D और 5D का, 4D और 5D में एक्सेप्शन कौन आएगा, ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में नहीं आया था ना, ध्यान आया कि नहीं, 4D और 5D में सबका साइज लगभग लगभग बराबर होगा, एक्सेप्ट देन वाइट्रियम और लेंथेनम का, बस हो गया, नहीं आया, अरे भाई साहब यहां पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन तो इसके बाद से लगेगा ना, यानी कि यहां पर तो जनरल ट्रेंड ही चलेगा ना, स्कैंडियम से बड़ा वाइटेरियम और वाइटेरियम से बड़ा लेंथेनम, होना तो ये भी चाहिए था, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण, यानी कि जनरली हम क्या कह सकते हैं, 3D से बड़ा होगा 4D, और 4D और 5D में बराबर का बात होगा, लेकिन बराबर का बात किस में नहीं होगा, वाई और लेंथेनम, बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो अब ये समरी याद रखिएगा, हो गया आपका काम, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ बाबू एटॉमिक रेडियस का, और ये समरी काफी जरूरी है, क्योंकि अभी आपको मालूम चलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में अपन बात करेंगे ना, तो इसी से रिलेट करके करेंगे। चलिए हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, या एंथैल्पी भी बोलते हैं सर, एनर्जी एंथैल्पी में ज्यादा फर्क नहीं है, एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी है ना। जैसे किसी लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप एनर्जी दे रहे हैं, तो आप एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक, हम इसको बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में लिखेंगे IE। क्या आप IE का डिफिनेशन बता सकते हैं,
इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू रिक्वायर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन गैसियस स्टेट। देखिए, जैसे आपने आयरन का एक पीस लिया और आयरन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो आयरन में हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें ढेर सारे आयरन का जो ग्रुप है उसमें आयरन के एटम्स को अलग करना पड़ेगा, फिर एक सिंगल एटम को पकड़ेंगे, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना, 3d6 और 4s2, तो 4s से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए, जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन बंधा पड़ा है वो इस न्यूक्लियस से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा पड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अगर कोई चीज़ मोशन में है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होती है किधर जाने की, बाहर की ओर जाने की। अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो उसकी इच्छा किधर जाने की, लेकिन क्या ये बाहर जा रहा है, यानी इसको अंदर पकड़ के कोई बैठा है, और वो है न्यूक्लियस। तो जिस एनर्जी से पकड़ के बैठा है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं तो इस एनर्जी को तो तोड़ना पड़ेगा ना, इसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, बात समझ में, चलिए नोट। अब जरा समझिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, तो दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। पहला, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितने अच्छे से बंधा पड़ा है उस पर डिपेंड करेगा ना आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा, रिपल्सन, रिपल्सन से कैसे भाई, अंदर का इलेक्ट्रॉन इस पर कितना धक्का मार रहा है कि नहीं, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा अगर देखो, कल नहीं आए थे इसलिए छूट गया, देखो तो कर्म अच्छे रखो, भगाया ना जाए। देखो इधर, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो इसको पकड़ के रखता ये, लेकिन अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो अंदर वाले इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मार धक्का मार धक्का मार धक्का बाहर भेज देगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जिसने अच्छे से बंधा पड़ा था, क्या उतने अच्छे से बंधा हुआ होगा, तो अब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, बात समझ में आई, बोलो भाई। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा एटॉमिक रेडियस पे, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग रेशन पे, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर मैं बात करूं रेडियस का, तो आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस का कैसा रिश्ता, क्या इसमें भी किसी को डाउट है, और जिनको डाउट आ रहा है वो अपने आप से एक सवाल पूछे, इस छुटकू से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या इस मोटकू से, क्योंकि ज्यादा बड़ा है ना, यानी कि रेडियस ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी, यही बात यहां पे भी लिखा है मैंने, है कि नहीं। अब जरा मुझे एक बात बताएं, रेडियस ऑफ
कॉपर और जिंक कौन बड़ा कौन छोटा? रेडियस किसका बड़ा? अब जरा फिर से अच्छे से समझ ले, तो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होना चाहिए था? जिसका रेडियस बड़ा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होना चाहिए था जिंक का कम और कॉपर का ज्यादा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लिखा है तो इसका मतलब एक्चुअली कुछ और हो रहा होगा। एक्चुअल में क्या पाया जा रहा है? जिंक का ज्यादा कॉपर का कम। और पहले प्रॉब्लम समझिए, अगर आप रेडियस के अनुसार देखते हैं कॉपर और जिंक का, है ना, तो कॉपर और जिंक में किसका रेडियस बड़ा? जिंक का। जिंक का रेडियस बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? ज्यादा। अब हम केमिस्ट्री लोगों को टफ इसलिए लगती है क्योंकि हम घटना होने के बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, फर्क समझिएगा। फिजिक्स में जो लॉ है वही एक्सप्लेन करेगा हर चीज को, केमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है तब हम बताते हैं। जैसे समझिएगा, अगर ये चीज सेम ऐसा मिलता तब हम कहते रेडियस है बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटा, कहानी खत्म। लेकिन हमको वैसा मिला नहीं, अब हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ये फर्क है, समझिएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताएं आउटर मोस्ट का, और इसका बताएं ये कैसा, और ये भी, और ये भी, और ये, तो हमेशा फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड से। अगर कोई दो एलिमेंट है और एक फुल्ली फील्ड और फुल्ली फील्ड है और एक फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। सिंस ये तो लिख ही दिया यार, अब क्या लिखो, मोर अस्टेबल, क्या हुआ, मोर अस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कंपैरिजन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड, तीन चार स्टैंडर्ड कंपैरिजन है, वहीं से आपको सवाल आने हैं, ठीक है। तो सबके लिए चिंतित मत होइएगा, क्या ये क्लियर हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस कॉपर और जिंक के बाद कंपैरिजन कर दूं किसका, मैग्नीज का, हाँ क्रोमियम और मैग्नीज का, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, तो बताइए जरा क्रोमियम और मैग्नीज कॉन्फ़िगरेशन बताएं जरा, कौन क्रोमियम का 4s1 और मैग्नीज का कौन ज्यादा सस्टेबल, क्यों, फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड, और ये हाफ फील्ड। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैं क्रोमियम और मैग्नीज से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहां से निकालूंगा, इसके 4s2 से और इसके 4s1 से। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्रोमियम छोटा होगा और मैग्नीज बड़ा होगा, क्या ये बात समझ में आई। हम इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे कह दूं कि मुझे आप बताएं इसका सेकंड, अब मुझे बताएं सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी,
तो सेकेंड का मतलब है कि एक इसने दे दिया। अगर एक दे दिया तो क्रोमियम का अब कैसा बन गया? प्लस वन। और मैग्नीज का भी कैसा बन गया? प्लस वन, है ना। अब यानी कि क्रोमियम क्या बन चुका है और ये क्या बन चुका है, 3D5 और 4S1। इन दोनों में कौन आसानी से दे सकेगा? 4S1 ये आसानी से दे देगा, यानी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा? क्रोमियम ग्रेटर देन। अब एक बात और, जरा अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग करें और थर्ड बता दें। थर्ड का मतलब है 3D4 और वो 3D5, तो मैग्नीज बड़ा हो जाएगा। चलिए नोट करिए, पीछे अच्छा अब हो गया। नहीं नहीं बस एक लाइन लिख लीजिएगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका होता है? NCERT का पेज नंबर 84, टेबल नंबर 4.2। उस देखिए आजकल ट्रेंड चला है एनसीईआरटी के टेबल से क्वेश्चन आने का, क्योंकि टेबल लोग पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए इस टेबल का क्रक्स मैंने आपको बता दिया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज। बस हो गया। अच्छा जैसे एटॉमिक रेडियस का हमने ट्रेंड देखा था, वैसा कोई ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का नहीं होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, कुछ डाटा आपको डायरेक्टली रटने भी पड़ेंगे, है ना। आइए पहले इसको नोट कर लिए। चले आयरन से अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, तो पहले मुझे आयरन के पीस में आयरन को पिघलाना पड़ेगा, यानी कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ना आयरन अलग होगा, अलग होगा फिर एटम में मिलेगा, फिर एटम में मिलने के बाद मैं निकालूंगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी मल्टीपल ऑफ चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का कोई फिक्स रेगुलर पैटर्न नहीं होता। हाँ बहुत सारी चीज़ों पर हो गया। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, हालांकि कुछ लॉजिक्स मैं बता दूंगा, एक ही है बस ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज एंड आयरन। हम कंपैरिजन कर रहे हैं मैग्नीज और आयरन का, तो याद रखिएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज और आयरन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मैग्नीज का तो क्या लिखेंगे, और इसका होना किसका कम चाहिए था, लेकिन हो किसका रहा है, मैग्नीज का। ये डाटाबेस है, अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि कुछ तो रीजन बता दीजिए, तो उसको एक ही लॉजिक दीजिएगा, एफ ई हैज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना और इसका कितना, तो क्लियर सा बात है इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है मोर प्रोटॉन कॉज मोर
अट्रैक्शन, ठीक है। अब एक बात और, अगर आप इसका सेकेंड देखेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे, किसका, मैग्नीज का और आयरन का, तो मैग्नीज से भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s1, अगेन फिर से ये ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि Mn में हो गया 3d5 और Fe हो जाएगा 3d6, इस बार Mn जीत जाएगा, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, क्या, हाँ ये हाफ फिल्ड है और ये, हाँ सो दैट्स व्हाई, ठीक है, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, बस इससे ज्यादा अनर्जन एनर्जी में अप टू जे मेंस तक में नहीं पढ़ना। एडवांस के लिए कुछ चीजें पढ़नी है, प्लैटिनम और निकल का कंबाइन करके हो गया क्या, बढ़िया आ गया, किसका बाबू, थर्ड वाले का, इसमें क्या है, इसके पहले कौन सा, किसका, इसका रीजन इसका ये है कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 और आयरन का 26, 26 का मतलब इसके पास प्रोटॉन होंगे 25 और इसके पास प्रोटॉन होंगे 26, कौन ज़्यादा तेजी से खींच सकेगा, 26 वाला, तो लॉजिक यही दे रहे हैं, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन पे चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, कैरेक्टर, इससे पहले बचपन की कुछ बातें आपको याद करा दूं, बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा था वैलेंस बैंड थ्योरी पे, वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहता था उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेगी, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेगी उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि बॉन्ड अगर ज्यादा बन रहा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक। तो मेटालिक कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, अरे 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 क्या हुआ, किसी ने नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं छोड़ दिया, अरे इट्स अ लाफ्टर गैस, तुम लोग क्या क्या सोचते रहते, हालांकि अगर आप बहुत छोटी मात्रा में लाफ्टर गैस लेते हैं ना तो वो मतलब वो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा हंसी मजाक, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है ना, दो चार को केन तो ऐसे ही पी जाइएगा फिर भी चेहरा पे मुस्कुराहट नहीं आएगा, है ना। मेटालिक कैरेक्टर देखिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आर मेटल्स इन नेचर, कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, इवन सम ऑफ देम, इनमें से कुछ आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, कैसे बनेंगे, सॉफ्ट मेटल बनेंगे, है ना, और होना भी चाहिए, जिंक कैडमियम और मरकरी में अगर आप देखें तो जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेटिव में है ना तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जिंक कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी एक जिंक दूसरे जिंक से चिपका हुआ नहीं रहेगा अच्छे से। अब चिपकने के लिए सिर्फ बॉन्ड बनना जरूरी नहीं है, वैंडरवाल बॉन्ड से भी चिपक जाते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, नहीं पता, वैंडरवाल बॉन्ड समझिए, वैंडरवाल बॉन्ड जो है वो सब पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अंटार्कटिका पे रखा हुआ बर्फ
आप पे अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स होगा वैंडरवाल फोर्स, भले ही वो इतना कम फोर्स है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ फोर्स तो लगा रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे अगर आप इनर्ट गैस को, आप किसी भी इनर्ट गैस को ले, मान लीजिए हीलियम ही ले लिया, हीलियम का ही प्रेशर आप बढ़ाते चले जाइए और बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम कम जाएगा। एक टाइम पे एक हीलियम दूसरे हीलियम से थोड़ा सा चिपका हुआ जरूर रहेगा। अब हीलियम को तो चिपकना नहीं चाहिए था, लेकिन चिपक रहा है क्योंकि यार इसके पास भी तो सरफेस एरिया है ना, और अगर सरफेस एरिया है तो वैंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हो क्या? आपको ये बात याद है? ये हो गया ब्यूटेन, सॉरी प्रो मैंने बना दिया पेंटेन, और ये हो गया नियोपेंटेन। इस दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ब्रांच ज्यादा है ना, इसी वजह से। ठीक है, तो ये वैंडरवाल फोर्स ज्यादा लगाएगा, ब्रांच ज्यादा इसलिए। ठीक है, अभी याद नहीं आया, आओ मैं एक एग्जांपल से और क्लियर कर दूं। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वैंडरवाल फोर्स दुनिया में सब कोई लगा रहा होगा। ये दो एटम है और इन दोनों का नेचर अपोजिट है, ये दोनों आपस में कभी भी बॉन्ड बनाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, इसका नाम, एक का नाम ए, एक का नाम बी। लेकिन अगर दोनों एटम है तो दोनों के पास जीवन में इलेक्ट्रॉन होगा। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा और इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर माइनस तो इधर माइनस, इसका भी यहां पहुंचा होगा। भाई घूमते घूमते एक सिचुएशन ऐसा बनेगा ना, एक सेकेंड में ये सिचुएशन लाखों बार बनेगी, लाखों बार बनेगी, क्योंकि ये बहुत लाइट, लगभग लगभग लाइट के 100 टाइम स्पीड से घूम रहा है। अब जरा देखिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा तो कौन सा चार्ज? माइनस, पार्शियल माइनस। और इस तरफ इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस तो इधर कौन सा चार्ज? यही बात यहां पर भी होगा क्या? और इस पॉजिटिव और निगेटिव में वीक होगा, लेकिन होगा जरूर। वीक इसलिए होगा क्योंकि एक सेकेंड के लिए बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन घसक जाएगा, फिर ये भी घसक जाएगा। एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन्स करोड़ों बार ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, करोड़ों बार टूटेगा। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम पास आएंगे तो बॉन्ड तो बन रहा है, वैंडरवाल तो बनेगा, हमेशा बनेगा ना। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, सम ऑफ देम आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स टू, लाइक जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इवन बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी कैसा हो जाता है? लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, लेकिन है कैसा? मेटल है। कैसा? मेटल, बिल्कुल सही। अब आ जाइए, बैलेंस बैंड थ्योरी लगाएंगे हम लोग। जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉन्फ़िगरेशन बताएं जरा। स्कैंडियम का 4s2 3d1, टाइटेनियम का, इसका 4s2, इसका
फोर एस टू और इसका, हाँ शक नहीं करने का, 26 है ना, दो और छः बताए तो थे, 27 में 4s2 3d7, 4s2 3d8, अब आप मुझे बताएं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बताइए, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का जीरो, अरे रे रे, इसका इसका फाइव, अनपेयर्ड है ना, करेगा ना, इसका थ्री कैसे लग रहा है किसको, फोर ना, डी सिक्स है ना यार, एक दो तीन चार पांच छ, तो एक दो तीन चार अनपेयर्ड, सिंपल, हाँ इसका इसका इसका, तो अब आपको समझ में आ गया कि जिंक सॉफ्ट मेटल क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो यानी कि इसका कहानी खत्म, ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। सिमिलरली जिंक के नीचे आएगा कैडमियम 5s2 4d10, वो भी नहीं बनाएगा, और उसके नीचे मरकरी, एक तो मरकरी बॉन्ड नहीं बना रहा, ऊपर से अगर हम रेडियस की बात करें तो जिंक हो गया 3d से बड़ा, और 4d से कुछ तो बड़ा होगा 5d, तो जिंक से बड़ा होगा कैडमियम और कैडमियम से बड़ा होगा मरकरी, रेडियस भी बड़ा और बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, इसीलिए सॉफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही, ठीक। अब जरा देखें, अब आपको ग्राफ खींचना होगा मेल्टिंग पॉइंट का, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको किसका दिख रहा है, क्रोमियम का, क्रोमियम का 6 है ना अनपेयर्ड, तो क्रोमियम तक, यहां से अगर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम बनाऊंगा तो बढ़ते चला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, कहां तक बढ़ेगा, और क्रोमियम से सडन डिप मारेगा मैग्नीज, और फिर मैग्नीज से नीचे नीचे और नीचे। बात समझ में आई, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते, चलो तो आज यहीं पे छोड़ते हैं ना, ग्राफ बताते हैं इत्मीनान से, ग्राफ में दो चार बातें और बतानी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आओ थोड़ा रिवाइज कर दे फिर निकल जाइएगा, नहीं हुआ, अरे 210 लिखना है, खुद से लिख लोगे, देखिए एटॉमिक रेडियस तो अब आपको क्लियर हो गई गया, हाँ एटॉमिक रेडियस में ध्यान क्या रखिएगा, शुरुआत में कैसा, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, और 3d 4d और 5d में क्या रिश्ता, 3d से बड़ा 4d का, और 4d और 5d बराबर, बड़ा का रिश्ता किस में होगा, वाइट्रियम और लैंथेनम में, ठीक। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, क्या इसका कोई रेगुलर ट्रेंड होगा, हम इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं कह सकते, है ना, तो इसके लिए हमें फिर देखना पड़ता है बहुत सारे फैक्टर्स, तो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो चारों ही डिसाइड करेंगे, ठीक। अब इसमें कंपैरिजन याद रखिएगा, जिंक और कॉपर में किसका बड़ा, क्योंकि फुल्ली फील्ड और फुल्ली फील्ड है जिंक, उसके बाद क्रोमियम और मैग्नीज में अगेन फुल्ली फील्ड और फुल्ली फील्ड और हाँ हाफ फील्ड, ठीक। उसके बाद मैग्नीज और आयरन में ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ठीक है। और फिर मेटालिक कैरेक्टर में बस यहाँ तक, कल मैं इसका ग्राफ बताता हूँ, उसमें आपको बताऊँगा कुछ एक्सेप्शन भी है।